बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर नेचुरल चैनल। आज आपको बताएंगे कि ब्लू बैंड मक्खन और सिर्फ एक जड़, ये दो चीज़ों को जिस बंदे ने अपने तरसर के ऊपर लगा लिया, मैं उस बंदे को ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपनी है तो फिर कम लगाना, ठीक है, और लगाने से पहले बंदोबस्त कर लेना। समझ रहे हो ना मेरी बात को? लगाने से पहले बंदोबस्त कर लेना। इतनी सख्ती आने वाली है, इतनी मजबूती और इतनी लंबाई आने वाली है कि एक्स्ट्रा मतलब बाहर निकालेगा इसको। समझ रहे होंगे मेरी बात को अच्छे तरीके से, अब मैं खुले डुले अल्फाज में नहीं बयान कर सकता, तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इतना कमाल का सादा आसान टोटका आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और बताते हैं किस तरह ये बेहतरीन आसान टोटका तैयार होता है। सबसे पहले आपने हवन दस्ता लेना है, और ये देखें मैंने ये जड़ी बूटी कौन सी है, ये है अकरकरा। देखें अब मैं आपको इसकी पहचान बताता हूँ, ये देखिए गौर से देखनी है आपने ये चीज़, ये देखें ये असली अकरकरा की पहचान है मेरे दोस्तों। बहुत सारी वीडियो में आपने अकरकरा का नाम सुना होगा और लोग पहचान भी मानते हैं, यार ये देखो ऊपर से किस तरह है, और अंदर दो हैं इसकी, ये देखो एक लेयर और दूसरी लेयर, अंदर वाली और बाहर वाली, ये है असल अकरकरा, जो महंगी है और आपको थोड़े पैसे खर्चने पड़ेंगे, यानी इतनी भी महंगी नहीं है कि सोने के भाव मिले, 100-150-200 रुपये की अच्छी और असली वाली मिलेगी। छोटी सी डली इसकी ले लेनी है, ठीक है, ये बीच में डाल देनी है, और इसको आपने अच्छे तरीके से पहले कूट लेना है। ये थोड़ी सख्त होती है, इसको आपने जोर लगा के कूटना है। तो सबसे पहले आपने एक पैन लेना है, उसको आग के ऊपर रख देना है, और साथ ही साथ फौरन से हम क्या करेंगे कि ये आप मक्खन देख रहे हैं, इसको हम ऐसे खोल के ले लेंगे, और उसके बाद इसको इसकी थोड़ी सी मिकदार आपने बीच में डालनी है। ये मैं जितनी डाल रहा हूँ बिल्कुल उतनी ही आपने डाली है अपनी तरफ से। मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी आपने साइंसदानी नहीं करनी है, मैं पहले बता रहा हूँ, जो बंदा अपनी तरफ से प्रोफेसर बना ना तो फिर वो खुद ही भुक देगा रिजल्ट को, ठीक है। ये देखिए बस इतना मक्खन डालना है, आप इससे ज़्यादा नहीं डालना, और फौरन इसके मेल्ट होते साथ ही आपने क्या करना है, मैं इसको मेल्ट होने देता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिर साथ ही आपने क्या करना है। ये देखो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मक्खन की, और साथ ही आपने ये अकरकरा का जो सफूक बनाया होगा ये बीच में शामिल करना है, और उसके बाद जो एक बहुत ही कतल किस्म की चीज़ है ना यार, ये है बीर बहुती, ये थोड़ी सी बीच में डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पकाना है, यहाँ तक ये दोनों चीज़ें जल जाएं। जब ये जल जाएंगी दोनों तो फिर आपने इनको उतार लेना है, अच्छे तरीके से पकाना है, यहाँ तक ये सारे अज्जा इनके मिल जाएंगे तेल के अंदर, और ऐसा तबाहीदार तेल तैयार होगा। मैंने वीडियो में शुरू में बताया है कि अपनी है तो कम इस्तेमाल करना, जो कोई और है तो फिर कर लेना चल जाएगा, लेकिन अपनी है तो कम करना यार, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ऐसा करेगा ना कि मैं हैरान रह जाएंगे आप, यार हकीम साहब क्या चीज़ बता दिए, यकीन करो इसकी रगड़ जो है रिगमार से ज़्यादा तेज़ रगड़ होती है इसकी, इतनी कमाल की चीज़ है ये, एक शोला नहीं निकलता, बाकी अज़ू में सही गर्माइश पैदा करता है ये। वेलकम बैक नाजरीन, हमारा टोटका बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमने इसको इतना कर लिया है कि ये गोल्डन हो चुके हैं, ताकि इनका असर जो है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि जब आप चीज़ को ज़्यादा पका लेते हैं उसके जो असरात होते हैं मिनरल्स विटामिन या जो भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर वो ज़ायल हो जाती हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल साबित हालत में मौजूद है, आपने कोशिश ये करनी है कि इसको पहले चेक कर लेना है ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है जी। अब इस तरह मैं आपको लगा के दिखा दूँ, क्योंकि ताज़ा गर्म गर्म है, इस तरीके के साथ आपने अज़ू के ऊपर लगा लेना है। यार मैं अभी लगाता गया हूँ तो मुझे फील हुआ है यार वाकई कोई चीज़ लगी है, देखें तेल लगा लगा के ना मेरी उंगली भी थोड़ी सूज गई है, कहने का मतलब ये है कि इतने ही ज़्यादा आपको तेल बना बना के लगा लगा के दिखाए हैं, और आप लोग आए कि यार बस आप जो कमेंट करते हैं ना अजीब अजीब, बड़ा दुख होता है। कोशिश किया करें ऐसे कमेंट किया करें जिससे दिल आजारी ना हो, इस तरह लगाकर रात सोने से पहले लगाना है, ऊपर पट्टी लपेटनी है लाजमी, छाले वगैरह नहीं बनेंगे, दाने वगैरह नहीं बनेंगे, क्योंकि इसीलिए इसके अंदर मक्खन शामिल कराया है, मक्खन जो दाने बने हुए होते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जिल्द में खुश्की हो जाती है ना उसकी वजह से दाने वगैरह निकलते हैं, इससे आपको दाने नहीं निकलेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस बंदे ने ना लटका के रखा हुआ ना यूँ, ऐसे ना हुआ ना एक दफ़ा, तो फिर मुझे बताइएगा कि यार कमाल की। मैं वीडियो को बहुत सारी जो है ना चीज़ें बातें जो हैं वो स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ ना तो फिर लोग क्या करते हैं रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि यार
किम साहब आपने वीडियो में अजीब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मतलब और भी बंदे देखते होंगे। कहने का मतलब यह है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे अच्छे तरीके के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डॉक्टर नेचुरल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और नीचे कमेंट में हमें बताइए कि यह टोटका आपको कैसा लगा और आप किस किस्म का टोटका और मज़ीद बनवाना चाहते हैं। और इसके अलावा हमारा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का एक ही चैनल है, यूट्यूब पर चैनल है, फेसबुक पर हमारा कोई पेज नहीं है, हमारा किसी कंटेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर नेचुरल ऑफिशियल चैनल से अगर कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसके हम जिम्मेदार हैं, बाकी कोई ज़िम्मेदार नहीं। लोग हमारी वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ कर रहे हैं, आपने उससे होशियार रहना है, आपने सिर्फ असली और नस्ली डॉक्टर नेचुरल ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, मिलते हैं कल से भी बेहतरीन टोटके के साथ। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।